बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज के एक अपडेट। अपडेट भाई ये है कि आप भाइयों के साथ मैं आज एक मोबाइल की वीडियो शेयर करूंगा, ओप्पो रीनो 4। आपने इसके मुतलक बहुत सी वीडियो देख ली होंगी, खासकर जो मेरे भाई पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वगैरह से इसके मुतलक वीडियो बना रखे थे, उन्होंने भाई 4G के मुतलक ही वीडियो बनाई होंगी। मैं आप भाइयों के साथ ओप्पो रीनो 4 5G जो लेटेस्ट ही यानी कि मार्केट में लॉन्च किया गया है 5G टेक्नोलॉजी के साथ ओप्पो रीनो 4, इसके भाई अभी सऊदी अरेबिया में क्या प्राइस है, डिस्काउंट पर है या वैसे है, किस मार्केट में लगा हुआ है, और इसके साथ आपको दिखा दूंगा जी ओप्पो रीनो 4 यानी कि 4G के क्या प्राइस हैं और 5G के क्या प्राइस हैं, किस मार्केट में है। तो आप भाइयों के साथ वीडियो शेयर करता हूं जी मैं ओप्पो रीनो 4 की। तो शुरू करते हैं जी 5G टेक्नोलॉजी के साथ। आप भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं जी ओप्पो रीनो 4 5G टेक्नोलॉजी के साथ। ये सऊदी अरेबिया में लॉन्च किया गया है, हालांकि यहां पर भाई 4G 5G दोनों अवेलेबल है। मैं आप भाइयों के साथ दोनों का रेट प्राइस वगैरह शेयर कर देता हूं, ये इस वक्त बड़े मॉल या शॉप वगैरह में कितने के लगे हुए हैं। तो भाई अगर बात करें पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश वगैरह की, तो वहां पर ये 4G में लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान में तो 5G टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो भाई वहां पर ये 4G में ही लॉन्च किया गया है। वहां पर आपको इसके 4G वाले ही प्राइस देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं इस 5G वाले मोबाइल की तरफ। नीचे से भाई स्पीकर ग्रिल लगा, साथ में USB टाइप आप अपनी केबल लगा सकते हैं, साथ में ड्यूल आप अपनी सिम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है यार। ये भी नीचे की तरफ दिया गया है हवावे P40 की तरह। तो भाई अगर इस साइड से बात करें तो बिल्कुल क्लीन है जी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन दिया गया है और वो है जी पावर ऑन ऑफ का। इसके अलावा इस साइड पर कुछ नहीं है। अगर चलते हैं दूसरी साइड की तरफ तो दूसरी साइड पर भाई वॉल्यूम अप डाउन का बटन दिया गया है, वो भी अगर आप अपनी फिंगर उसके ऊपर रखते हैं तो आपको महसूस होंगे, बिल्कुल बॉडी के साथ मिलाए गए हैं, हालांकि भाई दबाने से ही काम करेंगे। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर से बिल्कुल क्लीन है जी, ऊपर वाली साइड पर कुछ नहीं दिया गया है। फ्लिप कैमरा वगैरह इसमें नहीं है, डिस्प्ले के अंदर ही इसका सेल्फी कैमरा रखा गया है, जो कि 32 यानी कि 32 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है जी। डिस्प्ले की बात करें तो 6.40 इंच यानी कि 6.5 इंच का बोर्ड इसका डिस्प्ले रखा गया है, जो कि कर्व्ड है जी, मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा है। आप 4G लेते हैं इसमें या 5G लेते हैं तो आपको भाई कर्व्ड डिस्प्ले ही मिलेगा इस मोबाइल के अंदर, जो कि भाई अभी काफ़ी मोबाइल इसके मुतल्लिक कर्व्ड डिस्प्ले ही बना रखे हैं। ओप्पो वालों ने भी यही किया है, जो कि अच्छी बात है। अभी चलते हैं इसकी बैक लुक की तरफ, तो मुझे ये कलर काफ़ी खूबसूरत लगा है जी, लाइट ब्लू या स्काई ब्लू आप बोल रहे हैं। तो इसके भाई अगर नीचे देख रहे हैं ओप्पो लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है मेड इन चाइना। हालांकि कुछ मोबाइल्स के ऊपर मैंने देखा है जी मेड इन इंडिया भी लिखा होता है ओप्पो के। तो बैक पर 3 कैमरे दिए गए हैं। सबसे खूबसूरत चीज इसकी एक चीज को हटाकर, और वो है चार्जर, उसके मतलब भी मैं आपको बताता हूं। इसके भाई बैक वाले कैमरे हैं जिनमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का रखा गया है, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का, 3 कैमरे रखे गए हैं और साथ में फ्लैश लाइट भी लगाई गई है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो सॉरी बॉडी से थोड़ा सा अप हैं जी ये कैमरे, जो कि खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल गुलाई में बनाए गए हैं, जैसा कि iPhone 11 या iPhone 12 के आ रहे हैं। तो मुझे भाई इसकी कैमरा लुकिंग काफ़ी खूबसूरत लगी है इसके चार्जर के बाद। तो आप भाइयों के साथ इसकी मैं चार्जर की अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, तो 65 वाट का फास्ट चार्जर इसके साथ मिलेगा आपको। ये मोबाइल भाई आप 35 से 36 मिनट में चार्ज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 मिनट लगेंगे, 0 to 100 आपका ये मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा इस चार्जर के साथ, जो इसके बॉक्स के अंदर से आपको मिलेगा। एक अदद हैंड फ्री भी मिलेगी, हालांकि पाकिस्तान में से तो आप 30,000 से कम का जो मोबाइल लेते हैं उसमें आपको हैंड फ्री ही नहीं मिलती है, इस मोबाइल के साथ भाई आपको एक हैंड फ्री भी मिलेगी। तो भाई अगर इसके प्राइस की बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी वाला जो है इसके प्राइस इस वक्त जरीर बुक स्टोर में सऊदी अरेबिया में, जो मेरे भाई हैं वो तो जानते हैं जी, ये लगा हुआ है 2700 रियाल में, और अगर 4G वाले की वर्जन की बात करें तो वो लगा हुआ है 1700 रियाल में। 1000 का डिफरेंट जी दोनों मोबाइल्स के दरमियान, जो कि काफी ज्यादा मुझे लग रहा है। हालांकि 4G और 5G में इतना ज्यादा भाई डिफरेंट नहीं होता है जितना इन लोगों ने बना दिया है कि 1000 रियाल का। तो भाई उम्मीद करता हूं मैं आने वाले कुछ दिनों में ये 5G टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल काफी डिस्काउंट में आएगा, तो वो वीडियो भी फिर मैं आप भाइयों के साथ शेयर करूंगा। आपको किसी भी और मोबाइल के मुतल्लिक जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।